मास्क के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए देपालपुर एसडीओपी नीलम कनोज के नेतृत्व में शनिवार को बेटमा में फ्लैग मार्च निकाला गया, जहां पुलिस अधिकारियों और स्टाफ द्वारा दुकानदारों और आम लोगों को समझाइश भी दी गई। गौरतलब है कि जब नगर अनलॉक हो चुका है, वहीं वैक्सीनेशन का भी दौर चल रहा है, लेकिन कोरोना अभी गया नहीं है। ऐसे लोगों में कुछ लोग यह मानकर चल रहे हैं कि कोरोना खत्म हो चुका है और मास्क की आवश्यकता नहीं है। इसी के चलते कई लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, यहाँ तक कि कई दुकानदार भी कोरोना गाइडलाइन का खुला उल्लंघन कर रहे हैं, फिर से कोरोना को दावत दे रहे हैं। लोगों की इसी लापरवाही और बेवजह घूमने को लेकर उन्हें मास्क लगाने प्रति जागरूक करने के लिए देपालपुर एसडीओपी नीलम कनोज, बेटमा थाना उपनिरीक्षक बिहारी सावले, थाना स्टाफ द्वारा शनिवार को शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया, जहां कई लोग बिना मास्क के घूमते नजर आए हैं। यहां तक कि दुकानदार भी बिना मास्क के नजर आए हैं, जिन्हें मास्क पहनने समझाई दी गई, लेकिन रविवार को लोगों को फिर लापरवाही देखी गई और कई लोग बिना मास्क के घूमते हुए नजर आए हैं। इस संबंध में आज जब HW24 न्यूज़ के संवाददाता ने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि अब मास्क की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। चल रहा है मास्क के लिए, लोगों को थोड़ा सा मास्क के प्रति जागरूक करने के लिए हम लोग सब थाने वाले मिलकर के, जीओपी मैडम मिलकर के, हम लोग एक फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं ताकि लोगों को थोड़ा सा जागरूक करें कि वो मास्क लगाएं, थोड़ा सा अवेयर होए, ताकि जो व्यापारी लोग हैं, दुकानदार लोग हैं, वो भी अपने उनकी दुकान पर जो भी ग्राहक आते हैं उन लोगों को भी मास्क के लिए प्रेरित करें। जी मैडम, देखने में आया है कि यहाँ पर बहुत सारे दुकानदार लगा नहीं रहे, तो उनके खिलाफ़ क्या कार्रवाई होगी? इसलिए तो ये निकाला गया है उन्हीं लोगों को प्रेरित करने के लिए। सबसे पहले तो उनको हम लोग प्रेरित तो करें, उनको हम बार बार उसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने फ्लैग मार्च निकाले कि पहले उनको समझाएं, उसके बाद उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए। जी अभी उन लोगों की मैं मीटिंग भी लूँगी ताकि उसमें एक बार फिर से बाद में भी अगर वो लोग नहीं मानते तो उनके कार्रवाई में इनके ऊपर क्या क्या होगा? अगर दुकानदार अगर कोई नहीं पहनता है जी। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल HW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।